अटिपिकल हेडेक मतलब सरदर्द एक अजीब तरह का, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास में आया, अच्छा मोटा सा हेल्दी, और कंप्लेंट ये कर रहा था, शिकायत ये थी कि मुझे लेफ्ट मतलब बाएं आंख के ऊपर ये जो हिस्सा है पूरा फोरहेड का, ये पूरा सरदर्द करता है, इतना इतना ऐसा कंप्लीट, ये आधा भाग और सामने का भाग। तो नेचुरली फिर ऐसा आता है कि ऐसा हेडेक लेके कोई आया तो हमको पहले ऐसा लगता है कि अंदर कोई ट्यूमर है क्या। फिर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया करके एक बीमारी रहती है कि जिसमें ऐसे ही एक साइड में दर्द होता है, चबाने के समय बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है या हाथ लगाए तो दर्द हो जाता है, तो वैसा है क्या? तो वो भी नहीं था, मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया नहीं था, माइग्रेन नहीं था, माइग्रेन सिम्टम नहीं थे। फिर अभी फोरहेड मतलब फ्रंटल कॉर्टेक्स में भेजे में कोई ट्यूमर है क्या, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है क्या? मगर दो साल से है तो चांसेस बहुत कम कि भाई ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होगा। तभी भी मैंने उसको बोला कि ठीक है हम ईजी कर लेते पहले, उसमें कुछ निकलता है क्या। तो ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किया, उसमें कुछ निकला नहीं। बाद में माना ठीक है सिटी स्कैन कर लेते, उसका सिटी स्कैन किया, उसमें भी कुछ निकला नहीं। उसके पहले भी उसने दो साल पहले जब सिरदर्द चालू हुआ तब भी किया था सिटी स्कैन, निकला कुछ भी नहीं था और बाकी सिम्टम नहीं थे। मतलब ब्रेन के ट्यूमर जो है, ब्रेन के ट्यूमर के जो लक्षण रहते हैं जिसमें हेडेक है, वॉमिटिंग है, जिम मछलाना है, चक्कर आना, फिट आना, ऐसे कुछ भी लक्षण नहीं थे, इतने थे कि यहाँ इतना दर्द कर रहा है। तो फिर सब उसकी फंडोस्कोपी किया, आंख से जो जांच होती है रेटिना की, क्योंकि पेपिलिडियम है क्या अंदर, तो वो भी नहीं है, वो नील। फिर अभी सब जांच करने के बावजूद भी जब हेडेक है बता रहा है तो फिर उसका कारण साइकोलॉजिकली हो सकता है, ये हम निष्कर्ष में आए, उसने टेंशन हेडेक हो सकता है, टेंशन हेडेक इन फोरहेड रीजन। उसको पूछा कि भाई क्या तकलीफ है, घर में कुछ टेंशन है क्या, तनाव है क्या, आपसी संबंध कैसे है, है ना, आपसी मेलजोल ठीक है क्या घर में? तो फिर सभी तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसा लग रहा था। मगर फिर अभी सवाल ये होगा कि फिर सरदर्द हो रहा क्यों है, कुछ ना कुछ तो कारण है। फिर धीरे धीरे जैसे एक दो सेशन को उसको मैंने बुलाया तो फिर धीरे धीरे वो बोलने लगा कि भाई पिछले दो तीन महीने से उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और एक दो तीन महीने से जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो बीच बीच में आते रहता है। फिर मैंने और बताओ और बताओ, फिर उसने बताया कि हाँ दो साल पहले जब सेक्स मैंने किया था पहली बार तब उसमें उस समय वो कर नहीं सका, और अपने पत्नी के सामने इज्जत बचाने के लिए फिर उसने बोला कि अरे बाप रे मुझे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, उसने काफ़ी ड्रामा पार्टी किया और उसने वो समय टाल दिया। उसमें उसको ये हो गया कि नहीं तबीयत ठीक थी, पत्नी को भी लगा कि हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने भी जरा मतलब ज़्यादा जोर नहीं किया और तब से उसका हेडेक चालू हो गया। बाद में उसने अटेम्प्ट किए सेक्सुअल परफॉर्मेंस के, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर सका मगर इतना नहीं था कि जितना वो होना चाहिए, और बाद में फिर उसका हेडेक कंटिन्यू तब से चालू है। फिर उसको मैंने साइकोसेक्सुअल काउंसिलिंग के लिए मैंने उसको बताया कि भाई क्या क्या हो सकता है, पत्नी को बुलाओ, पत्नी के साथ में बैठे और काउंसिलिंग किया, कुछ मेडिसिन दिया कि जिससे दर्द कम हो जाएगा, और जो सोर्स था उसका कि भाई आई एम अनेबल टू परफॉर्म, वो जो था कि मैं सेक्स परफॉर्मेंस नहीं कर सकता हूँ अभी, कुछ तो भी गड़बड़ है, और वहाँ से वो जो चालू हो गया वो उसका दूर किया। उसको कुछ सेक्सुअल स्टिमुलेंट्स भी दिए, सिल्डेनाफिल जैसे, कि जिससे उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी टेम्परली अच्छा हो गया, और बाद में धीरे 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 महीने भर में उसका हेडेक ठीक हो गया। हेडेक ज़्यादा नहीं था लेफ्ट साइड में, मगर हेडेक से जो काम नहीं करना, अंदर ही अंदर गिल्टी फीलिंग होना, प्रोडक्टिविटी कम होना, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, और वो इसलिए ठीक करना जरूरी होता है क्योंकि फिर वेलबींग का प्रॉब्लम है ना, कि ठीक नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, तो इसलिए वो ठीक होना बहुत जरूरी होता है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को ऐसे हेडेक्स रहते हैं जो टेंशन हेडेक है, कुछ तो भी कारण हो जाता है उसकी वजह से टेंशन हेडेक आता है, और बाद में फिर वो चालू रहता है चालू रहता है। हमको ये देखना है कि इंट्राक्रीनियल प्रॉब्लम कुछ है क्या, अंदर कोई ट्यूमर होता नहीं ना, वो देखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर मोस्टली हेडेक्स आर स्ट्रेस रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।